सर मैंने कैंडल बुझा दी। वेल डन। वैसे ये तो बहुत सिंपल टास्क था। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक और टास्क है जो कि इससे भी बेहतर है। और हाँ, तुम दोनों में से जो वो टास्क पहले कंप्लीट करेगा ना, प्रमोशन मैं उसी दूंगा। एक सेकेंड, मेरे पास दो ये पजल क्यूब है, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे लिए। तुम दोनों में से जो ये पजल क्यूब को पहले सॉल्व करेगा, प्रमोशन उसी मिलेगा। और तुम दोनों के पास पूरे 5 मिनट हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। हो गया क्या? इतनी जल्दी सॉल्व भी कर दिया? लाइब्रेरी। अरे ये तो मैंने सॉल्व किया है ना। देखो ये तुम जानते हो कि तुमने इसे सॉल्व किया और मैं जानती हूँ, लेकिन बॉस को इस बात का नहीं पता है। और अगर तुमने बॉस को बताने की कोशिश भी की ना, तो देख लेना मैं ऑफिस में चिल्ला के सबको यही कहूंगी कि तुमने मुझे छेड़ने की कोशिश की और जबरदस्ती करने की कोशिश की। बॉस को मैं यही बोलूंगी कि ये क्यों मैंने सॉल्व किया, समझे? बॉस को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। So, क्या किसी ने तुम दोनों में से क्यों सॉल्व? जी सर, ये लीजिए, मैंने कर दिया। वेरी गुड। कितने शातिर तरीके से किससे कैसे झूठ बोलना है, ये तो कोई तुमसे सीखे। क्या सर, ये क्या बोल रहे हो आप? तुमने मुझे पागल समझा है क्या? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मुझे अच्छे से पता है कि ये क्यूब तुमने नहीं, ये क्यूब सनी ने सॉल्व किया है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सनी का क्यूब तो वो रहा, मैंने आपको सॉल्व करके दिया ये। बस करो, और कितने झूठ बोलोगी? शायद तुम ये भूल गई हो कि ऑफिस के कोने कोने में ना सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। एक बार ऑफिस के सीसीटीवी से चेक करता हूं कि ये दोनों आखिर का टास्क परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। अरे ये क्या कर रही हो? ये तो मैंने सॉल्व किया है ना। चुप करके बैठे रहो। ये क्यूब तुमने सॉल्व किया, ये सब तुम्हें और मुझे पता है, बॉस को नहीं। बॉस को मैं यही बोलूंगी कि ये क्यूब मैंने सॉल्व किया है। और अगर तुमने बॉस को बताने की कोशिश की ना, तो ऑफिस में सबको चिल्ला चिल्ला के यही बोलूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, समझे? ये तो गलत है ना। चुप करके बैठे रहो। जैसे मैंने सोचा था, ये लड़की तो उससे भी ज्यादा चालाक है। सनी ने क्यूब सॉल्व किया और उससे क्यूब छीन लिया, और बोल रही है कि उसने क्यूब सॉल्व किया, ऐसा मुझे बोले। आज तो इसे अच्छा सबक सिखा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम दोनों को टास्क देके यहाँ से चला गया हूँ और अपना जाके काम में लग गया हूँ? मैं जानबूझ के यहाँ से गया था तुम्हें टास्क देके, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों आखिर ये टास्क कैसे परफॉर्म करते हो। और बाहर सीसीटीवी में जाके ना मैं यही चेक कर रहा था कि ऑफिस में चल क्या रहा है, और मैंने सब कुछ देख लिया था कि ये क्यूब तुमने नहीं, ये क्यूब इसने सॉल्व किया था। और तुमने इसे क्या कहा कि अगर इसने मुझे सच्चाई बताने की कोशिश की तो तुम इसके ऊपर गलत एलिगेशंस लगा दोगी कि ये तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब घटिया हरकतें करते हुए। एक प्रमोशन के लिए तुम इतना गिर जाओगी, मैं कभी नहीं सोचा था। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुमने जब ये पहले कैंडल बुझाई ना अपना मास्क हटा के, मैंने वो भी देख लिया था। सर मैंने कैंडल बुझा दी। वेल डन। कोई इंसान प्रमोशन के लिए इतना कैसे गिर सकता है? तुम एक लड़की हो के किसी लड़के के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिए कि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। हम मुझे क्लियर हो चुका है कि मैंने किसको प्रमोशन देनी है और किसको नहीं देनी है। सो मिस रिया, यू आर फायर्ड फ्रॉम माई कंपनी। प्रमोशन तो भूल ही जाओ। आइंदा यहाँ ऑफिस में आने की भी कोई जरूरत नहीं है, जाके किसी और कंपनी में जॉब ले लो, जाओ यहाँ से। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए, प्लीज। अपनी सॉरी ना अपने पास रखो। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम ठीक कर रही हो या गलत, जाओ यहाँ से। तुम सच में बहुत ईमानदार इंसान हो, अपनी ईमानदारी को ऐसे ही कायम रखना, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। एंड कांग्रेचुलेशंस, यू गॉट द प्रमोशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने सही टाइम पे आके ना इसकी अकल ठिकाने लगा दी, वरना ये तो आज मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करती। थैंक यू सो मच सर।